का आउटलुक है जानने के लिए कंपनी के टॉप मैनेजमेंट मैनेजिंग डायरेक्टर ए के जना हमारे साथ शो में जुड़े। मिस्टर जना, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहले तो आप आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट दिस ईयर इन स्पाइट ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशंस दो वी हैड अ टारगेट दैट विल बी एबल टू bring the level what we used to achieve before the pre-COVID. In spite of that, though we couldn't achieve that target, it is down by 18%. If you see the bifurcations, the PNG, domestic PNG, it has gone up by 22% higher than the last year. And the industry also higher by 5%. Whereas the commercial sector, and we are selling few CGD entity, the PNG, that has basically achieved to a level of 45 to 50%. And the CNG, because of certain sector, those who are not operating, like school, then partial function of airport and hotel restaurants, they are also not functioning. And vehicular restrictions were there because of the the farmer strike. Adjacent to Delhi border, so because of that we are not able to achieve the CNG level. But if I that is down by 22%, so all put together it is 18%. In the second wave, if I see that even after this, just after 2 weeks, we are we could achieve the level what we are operating in the month of. Okay. तो ये तो बात हो गई आपकी बिजनेस सेगमेंटल परफॉर्मेंस या सीएनजी या पीएनजी की बात करें। मार्जिन्स पर मैं जानना चाहूंगी क्या खास वजह रही डिक्लाइन जो आया मार्जिन्स में, आगे क्या आउटलुक है सर, मार्जिन्स क्या रेंज में रहे? नहीं, मार्जिन अगर लास्ट ईयर के हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा है। बेसिकली लास्ट ईयर था 6.4 रुपीज पर एसीएम ईबीटा अगर मैं देखता हूँ, और आज के दिन में 7.63 फॉर द होल ईयर। और क्वार्टर फोर और क्वार्टर थ्री का अगर मैं कंपेयर करूंगा तो देयर इज अ स्लाइट डिक्रीज इन दैट, एज दिस इज बिकॉज ऑफ प्राइमरी टू थिंग्स। बेसिकली द गैस प्राइस इन द मंथ ऑफ मार्च हैज गॉन वेरी हाई, नंबर वन। जो आपका आरएलएनजी हम खरीदते हैं वो गैस प्राइस बड़ा है। दूसरा है कि ईयर एंडिंग में हम लोग जो प्रोविजन के एडजस्टमेंट करते हैं, इसके कारण भी हमारा थोड़ा कॉस्ट बढ़ा है, जिसके कारण मार्जिन कम हुआ है। एंड बट हमारे टारगेट तो यही था, करीब करीब 7-7.5 से लेके 8 के बीच में हमारे मतलब मार्जिन रहे तो ठीक रहेगा ईबीटा पर एससीएम, एंड सो दैट कि अभी एडिशनल बर्डन एंड कस्टमर के ऊपर ना आए, नंबर वन। नंबर टू, अभी जो कन्वर्जन सीएनजी व्हीकल में हो रहा है वो हम कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं, तो ये स्ट्रेटेजी हमारे था। तो आगे देखेंगे बिजनेस ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट को देखते हुए, बैलेंसिंग करते हुए हम लोग मार्जिन हो सकता है कुछ बढ़ाए, उसी हिसाब से हम देखेंगे। ओके, ऑलराइट। तो ये है मार्जिन की पिक्चर सर। बट मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि रिसेंट लॉकडाउन की वजह से हमने देखा दिल्ली में जो इम्पैक्ट हुआ है वॉल्यूम्स पर, वो अब किस तरह से शेप अप हो रहा है, क्योंकि हम स्लोली अनलॉकिंग की सिचुएशन देख रहे हैं, तो डिमांड कितनी ऊपर गई है अब तक अगर आप बता पाए, और जो सीएनजी के प्राइसेस और पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में डिफरेंस है वो हम देख रहे हैं बढ़ रहा है, क्योंकि कंटिन्यूस इंक्रीज प्राइस हो रहे हैं डीजल पेट्रोल के। क्या हम प्राइस हाइक कुछ सीएनजी में इमीडिएटली देख सकते हैं, क्या टाइमलाइंस है सर, उस पर क्या व्यू है आपका? देखिए, हमारी जो प्राइसिंग फॉर्मूला है ना, मेनली तीन चीज के ऊपर है। एक तो मैं व्हाट इज द कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट ऑफ गैस, दैट इज फिक्स्ड, डोमेस्टिक गैस इट इज रनिंग ऑन द डोमेस्टिक गैस प्राइस, सो दैट इज फिक्स्ड अराउंड टू $1.8 पर MMBTU, दैट विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट अक्टूबर। एंड द सेकेंड वन इज दैट हाउ मच इन्वेस्टमेंट आई एम इनकरिंग फॉर सेटिंग अप न्यू सीएनजी स्टेशन एंड क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टिंग इन द न्यू GAs। एंड द थर्ड थिंग इज दैट के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नो टू, एंड additionally we are adopting some new technologies like digitizations, these are the additional cost would be there, which will be as a part of some supply and distributions cost. So keeping this thing balancing, and the fourth one, normally what we see that what is the price of the alternate fuel, though that is increasing, but the today we are not very keen to increase, but still we'll be doing some balancing. If required, we'll be increasing because of this
high investment because of reducing the queue in the CNG stations and the investment in the new GAs. So we'll be doing a balancing today. I won't be able to tell you how much it would be there, but we'll take a call so that the growth of CNG should not be impacted by increasing the price. Okay, so ye aapne zarur indicate kiya hai ki price hike hone ki yahan par possibility hai, kitna hoga, kab hoga, ye aapne bata rahe, but definitely ek need yahan dikhti hui nazar aa rahi hai jahan tak CNG price hike ki baat kare. Sir, isi baat se juda hua sawal, kitne naye CNG stations company ne Q4 mein set up kiye hain, kya plan hai pure saal ka, jo aapne pehle bataya tha, kya you are sticking to that number, kya kitna capex karegi company, FY22 ka overall capex plan bhi kya hai? Okay, last year पैंडेमिक सिचुएशन के कारण भी, मतलब होते हुए भी, हम लोग ने 3,10,000 घर पे कनेक्शंस दिया है, वो कि सबसे अभी तक हाईएस्ट नंबर किसी एंटिटी ने सीजीडी सेक्टर में अगर अचीव किया तो दिस इज द हाईएस्ट वन. देन सीएनजी स्टेशन 60 सीएनजी स्टेशन हमने ऐड किया है. अब बाकी इस साल की जो प्रोग्राम है, आगे जो इस साल की जो प्रोग्राम है, ये करीब करीब हम 4,00,000 डोमेस्टिक कनेक्शंस करेंगे. ऑलरेडी रिसोर्स प्लानिंग हमने कर चुका है एंड लास्ट ईयर हमने करीब 1,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है और इस साल हमारा प्लान है करीब 2,000 करोड़ हम लोग स्पेंड करेंगे, जो कि नया जीए में करीब 40% और पुराना जीए में करीब 60% एक्सपेंडिचर प्रोपोर्शन रहेगा. एंड उसमें करीब सीएनजी स्टेशन हमारे प्लान है 120 सीएनजी स्टेशन लगाएंगे हम लोग और 4,00,000 घर पे कनेक्शंस. और कोशिश करेंगे जो एनसीआर, जैसे हमने दिल्ली में अभी 100% इंडस्ट्री को पीएनजी में कन्वर्ट किया, जो लोग पॉल्यूटिंग फ्यूल यूज कर रहे थे जितना इंडस्ट्री, हम एनसीआर एरिया में, क्योंकि मेरा नेटवर्क यहाँ पे बहुत है, तो एनसीआर रीजन में भी वो टारगेट यही रहेगा कि जितना इंडस्ट्री पॉल्यूटिंग फ्यूल यूज कर रहा है उनको पीएनजी में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश. सर, एक सवाल बीपीसीएल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बीपीसीएल का 22.5% स्टेक है आपकी कंपनी में और अब वो डिसइन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है, तो बहुत जल्द उसका डिसइन्वेस्टमेंट होगा, नया ओनर आएगा. मैं जानना चाहूंगी क्या क्या होगा उस स्टेक का, क्या पहले बिकेगा या नए ओनर आने के बाद रहेगा, आप क्या बता सकते हैं? बिकॉज सिग्निफिकेंट बड़ा चंक है इनका स्टेक का यहाँ पर. वेरी डिफिकल्ट टू से एंड इट इज ड्रिवन बाय द मिनिस्ट्री एंड बीपीसीएल एंड इट इज अ बंडल सेल इज बीइंग डन. तो उसमें अगर बीपीसीएल चले जाए तो जो भी खरीदेंगे उन्हीं का स्टेक रहेगा, है ना. तो उसी हिसाब से क्या टर्म्स एंड कंडीशन बीपीसीएल के साथ होगा उसके बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे, है ना. तो अभी इस इशू में बात करना ठीक नहीं रहेगा जब तक कोई डिसाइड, बट उसमें कोई आईजीएल को इम्पैक्ट नहीं आएगा. ये कहने का मतलब है पर से आईजीएल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है. जो ग्रोथ है, जो इन्वेस्टमेंट प्लान है, वो तो हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम हमारे पास जो रिसोर्सेस अभी है, बीटे फंडिंग एंड बीटे ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट इज सफिशियंट जो कि आगे की बिजनेस आगे बढ़ा. ओके, ऑलराइट. तो ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्सेस पे कॉल लेगी, पर जो स्टेक है वो नए ओनर के पास जाने का आप कह रहे हैं, यही एक पॉइंट दिख रहा है. बट सर, एक फाइनल सवाल, मैंने लास्ट टाइम भी जब आपसे बात करी थी मार्च में, तब आपने बताया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है जहां पर आप काफी कुछ डेवलपमेंट देख रहे हैं, स्पेशली बैटरी स्वॉपिंग, ये बिजनेस में आप इन कुछ कंपनी से बातचीत कर रहे हैं. ऑल्सो गैस मीटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की भी बात की, जिसके लिए आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी फ्लोट किया है. क्या एग्जैक्ट प्लान है सर, जहां तक गैस मीटर की बात करें या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी स्वॉपिंग? न्यू बिजनेस एरिया के हिसाब से जो आपके साथ हमारे डिस्कशन हुआ था उसमें हमने ईवीज के बारे में बात किया है एंड हम लोग बहुत फाइनल स्टेज में है और जुलाई महीना में ईवीज हो सकता है कि हम लोग बैटरी स्वैपिंग करने के लिए सोच रहे हैं, वो हम करेंगे इमीडिएटली. एंड थोड़ा सा मतलब जो एमओयू की पार्ट है जिसमें डिस्कशन चल रहा है, जैसे हो जाएगा तो आपसे भी डिस्कस कर लेंगे. बट हमारा ईवीज करने का प्लान है, करीब 50 से 100 स्टेशन पे हम बैटरी स्वैपिंग का एक्शन ले रहे हैं. और दूसरा था लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्ट, जो है कि हमने शुरुआत किया है देहरादून ट्रांसपोर्ट सेक्टर के साथ, जो कि एक बार फिल करने के बाद जब बसेस दैट कैन रन मोर देन 1,000 किलोमीटर, तो उससे हमको काफी मतलब इनफैक्ट उत्तराखंड गवर्नमेंट को बहुत ही अच्छा लगा है. तो दे आर ऑल्सो पूछिंग अस कि हम लोग दोनों मिलके अभी इसके ऊपर बढ़ाएंगे. पैरेलली हम अभी नियर बाई जितने स्टेट्स है, उत्तर प्रदेश है, देन हरियाणा है,
पंजाब है, इन लोग के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं लॉन्ग हॉल बसेस को अगर हम सीएनजी में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये मेरे लिए बड़ा रेवेन्यू सोर्स बनेगा। तीसरा पॉइंट था डीटीसी के साथ, आपके साथ डिस्कशन हो रहा था कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे डीटीसी के साथ ने हम ये अगले 10 साल के लिए एग्रीमेंट साइन किया है, सो वो भी हमसे सीएनजी लेते रहेंगे। एंड जो हमने टारगेट अभी फिक्स किया है अगले 3-4 साल के अंदर ये 7 मिलियन एमएमसीएमटी गैस को 10 मिलियन तक ले जाना है। ओके, तो काफी कुछ एक्सपेंशन प्लान्स इन न्यू एरियाज ऑफ बिजनेस। और आपने जैसा कहा, आई थिंक ये बड़ी बात है कि बैटरी स्वैपिंग में कुछ बड़े अनाउंसमेंट आपकी तरफ से आएंगे। इनफैक्ट ये बात हमने पहले भी कही थी हमारे चैनल पर, और आज आपने इसको कंफर्म भी किया है कि ये बिजनेस एरिया में आप बड़े रूप में घुसेंगे और जुलाई में ही इसकी कुछ अनाउंसमेंट्स भी आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जना हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे ये बात करने के लिए। तो ये थे